हेलो एवरीवन, इस लेक्चर से हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारा कन्वर्जन होगा वो या तो हमें एप्सिलॉन एनएफए देगा या एनएफए देगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है, सो आपको ये पता है कि कैसे एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो फाई का मीनिंग ये होता है कि ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी सिंबल्स नहीं होंगे। अगर कोई भी सिंबल्स नहीं होंगे तो हम कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे। सो हम मान सकते हैं कि ये एक इनिशियल स्टेट है और इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है। सो दिस इज दी ऑटोमेटा फॉर फाई। सेकेंड है एप्सलॉन। एप्सलॉन का मीनिंग ये होता है कि ये नल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम एक ऑटोमेटा बनाए जिसमें कि एक इनिशियल स्टेट बना दें और एप्सिलॉन सिंबल से हम इनिशियल स्टेट में पहुंच सकते हैं और यही सिंबल हमारा फाइनल स्टेट भी होगा। सो ये हमारा एप्सिलॉन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। जो फाई है इसका मतलब है कि नल सेट, इसका मीनिंग कि इसमें कोई भी सिंबल नहीं, इसीलिए हमने इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाया। लेकिन एप्सिलॉन का मतलब एक सिंबल हो गया तो वो नल सिंबल है और नल सिंबल से हम फाइनल स्टेट पहुंच सकते हैं, इसलिए इसमें हमने फाइनल स्टेट बनाया। नेक्स्ट सिंबल हमारा ए है या नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ए है। इसके लिए हम ऑटोमेटा बनाते हैं। इसके लिए ऑटोमेटा कैसे बनेगा कि एक सिंगल सिंबल है जिसको एक्सेप्ट करके ये फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। सो मान लेते हैं कि एक क्यू इनिशियल स्टेट है और क्यू एक फाइनल स्टेट है और एक सिंबल हम लेंगे ए और इससे हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मीनिंग ये है कि ए और बी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस बी को। सो यूनियन का मतलब ये कि हमारे सेट में ए भी है और बी भी है और इनमें से कोई भी सिंबल हम लेंगे तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो ए प्लस बी का मतलब ये है कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और यूनियन का मीनिंग ये है कि हम ए अपने सेट में से ए को सेलेक्ट कर लें या बी को सेलेक्ट कर लें, दोनों में से किसी भी एक सिंबल को सेलेक्ट करने से हम फाइनल स्टेट पहुंच जाएंगे। सो लेट्स से क्यू आई मेरा इनिशियल स्टेट है और क्यू एफ मेरा फाइनल स्टेट है। सो अगर आप ए लेंगे तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, अगर आप बी लेंगे तो भी आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। ये भी एक मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। और आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिस आपकी है कि आप ए कॉमा बी लिख देते हैं, इसका भी मीनिंग सेम होता है कि आप या तो ए सेलेक्ट करेंगे या तो बी सेलेक्ट करेंगे और आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ए बी। ए बी का मतलब है ए कॉन्कैटिनेटेड विद बी। सो इसका मतलब है कि हमारे पास दो सिंबल्स हैं। ऐसे ऑटोमेटा को हम दो स्टेप में बनाते हैं या मल्टीपल स्टेप्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी हमने बनाया और ए बी सिंबल के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए। क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं ले जा सकते फाइनल ऑटोमेटा में, तो इसको हम फर्दर ब्रेक कर देते हैं और ए सिंबल से नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं और बी सिंबल से उसके आगे वाले स्टेट में पहुंचते हैं जो कि हमारा फाइनल स्टेट होगा। सो दिस इज दी रेगुलर, दिस इज दी ऑटोमेटा फॉर ए बी। नाउ नेक्स्ट सिंबल मेरे पास ए स्टार है और ए स्टार का मीनिंग ये होता है कि क्लोजर। सो क्लोजर इज वेरी सिंपल थिंग कि हम कितने भी टाइम्स ए को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए हम एक भी बार सेलेक्ट ना करें। सो मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा इसके लिए। पहला मेथड ये है कि आप एक इनिशियल स्टेट ले लीजिए और इस इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट मानते हुए और ए का ट्रांजिशन इस पे करा दीजिए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो इसके लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम एक इनिशियल स्टेट ले लें और इसके बाद फिर एप्सिलॉन ट्रांजिशन से एक स्टेट में पहुंचे और इस स्टेट में हम ए का ट्रांजिशन करा दें और इसके बाद एक एप्सिलॉन सिंबल और ले लें और इसके बाद हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। सो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम इसको दिखा सकते हैं ए स्टार को। दोनों मेथड्स करेक्ट हैं, बट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप ये वाला अप्रोच लिखिएगा क्योंकि इसमें एप्सिलॉन सिंबल से ट्रांजिशन हो रहा है। सो इसमें हमें लॉजिकल सेग्रीगेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं ऐसे ऑटोमेटा को बनाने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस। ए प्लस का मीनिंग ये है कि सेट में आपके पास एक ए तो होगा ही होगा, उसके बाद दो ए भी हो सकते हैं, तीन ए भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें जब ऑटोमेटा बनाना है तो हमें इंश्योर करना है कि मिनिमम वन सिंबल तो जरूर आए, मिनिमम वन ए तो जरूर आए। तो अगर ये मेरा इनिशियल स्टेट है और इससे मैंने स्मॉल ए सिंबल लिया तो मैं नेक्स्ट स्टेट मूव करता हूँ जो कि मेरा फाइनल स्टेट है,
और इसमें मैं ए से ट्रांजिशन फर्दर करा देता हूँ। सो दिस इज फॉर ए प्लस, तो सिंगल ए एक्सेप्ट जरूर होगा, उसके बाद कितने भी एज आ सकते हैं इस ऑटोमेटन में। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट हम बनाते हैं ए प्लस बी होल स्टार। नाउ ए प्लस बी होल स्टार, इसका मीनिंग ये है कि हम क्लोजर ले रहे हैं ए प्लस बी का। वंस अगेन अगर हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करें, सो हम एक क्यू वाई ले लेते हैं जो कि इनिशियल स्टेट है, इसका एप्सिलॉन सिंबल से ट्रांजिशन करा देते हैं एक स्टेट में, जहां पे ए या बी से, या ए प्लस बी अगर आप लिख लीजिए अभी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे, ये मेरा फाइनल स्टेट हो गया। सो नाउ इसको हम फर्दर अगर एक्सपेंड करें तो हमें क्या करना है कि एप्सिलॉन से हम इस स्टेट में पहुंचे, और ए प्लस बी का मीनिंग ये है कि ए और बी। सो ए और बी को अगर आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि या तो ए या तो बी। अगर आप दो पैरेलल लाइंस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ए से और एक बी से सेल्फ। इसके बाद एप्सिलॉन से आप फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी पॉसिबल है कि अगर आप एक स्टेट बनाए इनिशियल स्टेट, आप इसी को फाइनल स्टेट बना लें और यहाँ पे आप ए और बी सिंबल से ट्रांजिशन दिखा दें। सो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एग्जाम में बनाएं तो आप इस तरह का बनाएं जहां पे एप्सिलॉन सिंबल से ट्रांजिशंस दिखाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इज ए स्टार एंड बी स्टार। नाउ ए स्टार बी स्टार का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक ट्रांजिशन ए से है और एक ट्रांजिशन बी से है, और ए से भी कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं और बी से भी कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे सिलेक्ट किया कि ए, या हम एक काम करते हैं कि इसकी एक लैंग्वेज सेट बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो लैंग्वेज सेट बनाने के लिए अगर हम कोई भी सिंबल सेलेक्ट ना करें, ना ए से ना बी से, तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा लैंग्वेज सेट में। अगर आप ए से एक सेलेक्ट करें और बी से कोई भी ना सेलेक्ट करें तो ए एक्सेप्ट हो जाएगा। ए से आप कुछ भी सेलेक्ट ना करें और बी से सेलेक्ट कर लें बी को, तो ये भी हो जाएगा। अगर आप ए से एक सिंबल और बी से एक सिंबल सेलेक्ट करें तो ए भी हो जाएगा। ए से दो सिंबल और बी से एक सिंबल तो ए ए बी हो जाएगा। ए से तीन सिंबल और बी से दो सिंबल तो ये हो जाएगा। इसी तरह से लाइक दिस, एनी नंबर ऑफ एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज। लेकिन ये श्योर है कि अगर हमने ये तीन सिंबल्स नहीं लिए हैं तो पहले ए आएगा एंड देन बी आएगा, पहले ए आएगा देन बी आएगा। इसीलिए लॉजिकल सेग्रीगेशन जरूरी है इसमें ए स्टार और बी स्टार में। तो हम एक काम करते हैं कि एक इनिशियल स्टेट ले लेते हैं और इस इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम एक स्टेट पहुंचते हैं जिससे हम ए का ट्रांजिशन दिखा देते हैं, एंड देन इसके बाद एप्सिलॉन सिंबल से हम एक दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं और यहाँ पे हम बी का ट्रांजिशन दिखा देते हैं और यहाँ से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। सो ये जो हमारा ऑटोमेटा हुआ, ये हमने डिजाइन कर लिया, इसमें हमने लैंग्वेज सेट बना के ये इंश्योर किया कि हम इसको अच्छे से समझ पाए कि ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, क्योंकि पहले एज रिक्वायर्ड है देन बीज रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि जब एज फिनिश हो जाएंगे तभी हमारे बीज स्टार्ट होंगे। इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट आप कर सकते हैं इसमें कि आप यू इनिशियल स्टेट एक मान लें और यहाँ पे ए से ट्रांजिशन दिखा दें, एंड देन एप्सिलॉन से ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाएं एक नए स्टेट में, जहाँ पे आप बी से ट्रांजिशन दिखा दें और इसी स्टेट को आप फाइनल स्टेट मान लीजिए। सो ये भी सही है और ये भी सही है, बट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप ये वाले मेथड से जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी होल स्टार। सो दिस इज इंटरेस्टिंग वन। सो दिस इज ए बी होल स्टार। ए बी होल स्टार का मीनिंग ये कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और एप्सिलॉन से हम एक स्टेट में पहुंचते हैं जहां पे ए बी से सेल्फ लूप है, लाइक दिस दिस इज दी फाइनल स्टेट। सो अगर ए बी से सेल्फ लूप है तो दो सिंबल्स एक साथ नहीं आ सकते हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा और एक स्टेट ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये सिंबल एक्सेप्ट किए जा सके। सो अगर ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ए से हम एक नए स्टेट में पहुंचते हैं और उसके बाद फिर बी से हम वापस आ जाते हैं इस स्टेट में, देन इसके बाद एप्सिलॉन से हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो आपने देखा कि ए बी, चूंकि इसमें दो सिंबल्स हैं इसलिए हमें बीच में एक स्टेट ऐड करना पड़ेगा सिंबल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, ए अलग एंड देन बी अलग। सो ए से आप इस स्टेट में पहुंचते हैं एंड देन उसके बाद बी से आप वापस इस स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो ये एक सेल्फ लूप बन रहा है जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ऑटोमेटा फॉर ए बी स्टार।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अच्छा, एक चीज हमसे रह गई है और ये है एप्सिलॉन, यहाँ पे ट्रांजिशन. सो आई होप दिस इज सेल्फ, दिस वॉज ऑब्वियस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर एग्जाम्पल्स ऑन कन्वर्जन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन टू द फाइनाइट ऑटोमेटन.